हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम बनाएंगे लिथियम बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल। वैसे तो ये चार्जिंग मॉड्यूल मार्केट में मिल जाता है 50-60 रुपए का, लेकिन कई कई जगहों पे ये मार्केट में नहीं मिलता, तो उसके लिए ये चार्जिंग मॉड्यूल बहुत बढ़िया काम करता है। वैसे ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, ऑनलाइन ये 100 से 150 रुपये आपको शो करेगा, तो आपको 100-150 रुपये लगाने की ज़रूरत नहीं है। मात्र 10 रुपये में आप ये चार्जिंग मॉड्यूल घर पे ही बना सकते हो। उसके लिए आपको चाहिए एक ये चार्जिंग जैक, मोबाइल चार्जिंग जैक, ये 5-6 रुपये का है, 1-1 रुपये के ये इंडिकेटर हैं रेड ग्रीन, और 2 चाहिए आपको डायोड 4007, 1 चाहिए आपको रेजिस्टेंस 1K। तो इसके कनेक्शन कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आपको चाहिए एक प्लास्टिक की फट्टी, प्लास्टिक की फट्टी में आपको होल कर लेने हैं 1, 2, 3, जैसे मैंने होल करके इनमें इंडिकेटर लगा रखे हैं। ये मैंने पहले से लगा रखे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो इसके कनेक्शन हम कैसे करेंगे, इसमें खाली ये लगाए हुए हैं, कनेक्शन अभी मैं करूँगा। तो आपको लेने हैं 2 4007 4007 डायड, इसकी सिल्वर वाली पट्टी एक ही साइड में रखनी है, इस साइड में, जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। ये है ब्लैक वाली पट्टी नेगेटिव, इसकी सिल्वर वाली पट्टी और इसकी ब्लैक वाली पट्टी को हम आपस में ज्वाइंट कर देंगे। दोनों डायोड की सिल्वर पट्टी हमारी इधर ही रहनी चाहिए, जिस साइड में हम लिथियम बैटरी की पॉजिटिव कनेक्शन की वायर को जोड़ेंगे। तो इसमें हम इसको कैसे लगाएंगे, जिस साइड में हमारा ये जैक लगा हुआ है जिसमें हम चार्जिंग लगाएंगे, उस साइड में हमें ब्लैक वाली पट्टी डाल देनी है, उस सेंटर में ये इसका जॉइंट डाल देंगे। सिल्वर पट्टी हम इस साइड में रखेंगे जिस साइड में हमें लिथियम बैटरी लगानी है, ऐसे घुमा के हम इसको इधर से निकाल लेंगे ताकि हमारे डायोड हिले डुले नहीं। कनेक्शन पूरे ध्यान से देख लेना भाइयों, कहीं बाद में आपको दिक्कत ना हो कनेक्शन करने में। ये हो गया हमारा सिल्वर पट्टी का लास्ट पॉइंट है जिसमें हम लिथियम बैटरी का कनेक्शन करेंगे। ये तो हमारे हो गए डायड, इस साइड में ब्लैक पट्टी, इस साइड में सिल्वर पट्टी और बीच में ज्वाइंट, ये हो गया हमारा बैटरी का पॉजिटिव। हम दूसरी साइड में इसमें रेजिस्टेंस डाल देंगे 1K की, इसको भी हम वैसे ही इस साइड में रखेंगे और इधर से बाहर निकाल देंगे जिसमें हम माइनस के लिए कनेक्शन करेंगे लिथियम बैटरी का। ये हो गया हमारा माइनस साइड, इस साइड में हमने कनेक्शन हमने ना तो इधर किए हैं ना इधर किए हैं, अभी इस साइड में रेजिस्टेंस डाला है, इसका ये लास्ट हिस्सा है, और इधर हमने 2 डायोड डाले हैं जिसकी सिल्वर वाली पट्टी इधर है। बीच वाले हिस्से को हम कहीं भी कनेक्शन नहीं करेंगे। अब करेंगे हम इसके कनेक्शन, जो ब्लैक वाली पट्टी है इसको हम इंडिकेटर में लगा देंगे, ग्रीन वाले इंडिकेटर में लगा के इसको हम शोल्डिंग कर देंगे। हो गया हमारा ब्लैक साइड, इसी के ऊपर हम ये प्लस वाली साइड भी लगा देंगे। ये हो गया हमारा कनेक्शन, बचा दूसरी साइड का। दूसरी साइड में ये जो रजिस्टर लगाया था हमारा, इस साइड का हिस्सा हम दोनों इंडिकेटर के माइनस के लिए लगा देंगे। और दोस्तों, चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ये रजिस्टर खाली इंडिकेटर जलाने के लिए ही यूज किया है,
और बचा हमारा माइनस वाला हिस्सा सॉकेट का। सॉकेट का माइनस वाला हिस्सा हम रेजिस्टेंस के नीचे वाले हिस्से पे लगाएंगे। ये हो गए हमारे कनेक्शन दोस्तों। इधर दो डायड लगे हैं, डायड का लास्ट वाला हिस्सा ये है सिल्वर पट्टी वाला, और बीच वाले हिस्से पे कोई कनेक्शन नहीं होगा, ये माइनस वाला हिस्सा हो गया, और ये इनको इंडिकेटर को मिल गया कनेक्शन। अब बचा एक इंडिकेटर का कनेक्शन, इसको भी हम आपको लगा के दिखाएंगे। इस सिल्वर पट्टी वाली साइड से उठा के ये हम रेड इंडिकेटर को दे देंगे। ये हो गए दोस्तों हमारे कनेक्शन, बढ़िया से देख लो आप। अब हम करेंगे बैटरी के कनेक्शन। ये लो दोस्तों, अब मैं करूंगा लिथियम बैटरी के कनेक्शन। लिथियम बैटरी की माइनस वाली वायर है जो मैं रेजिस्टेंस की लास्ट वाले हिस्से पे लगाऊंगा, जहां पे ये जैक से वायर आ रहा है डायरेक्ट माइनस के लिए, और प्लस वाली साइड में लगाऊंगा डायड वाली साइड में। जिस साइड में डायड का सिल्वर पट्टी है वो प्लस के लिए है। कनेक्शन मैंने कर लिए हैं, रेड इंडिकेटर जलने लगा। अब मैं आपको ये चार्जिंग में लगा के भी दिखाऊंगा। जैसे ही मैं चार्जिंग में लगा रहा हूँ, हमारा ग्रीन इंडिकेटर ग्लो करने लगा, रेड इंडिकेटर बंद हो गया। इसका मतलब हमारी बैटरी फुल चार्ज है। जैसे ही जैक हटा रहा हूँ, रेड इंडिकेटर जलने लगा। जैसे ही मैं जैक लगाऊंगा, रेड इंडिकेटर बंद हो जाएगा, ग्रीन इंडिकेटर ग्लो करने लगेगा। इसका मतलब हमारी बैटरी फुल चार्ज है। अगर बैटरी डाउन रहेगी तो हमारा रेड इंडिकेटर भी ग्लो करेगा। अब मैं इसके आपको वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ। देखो दोस्तों, इसके वोल्टेज आ रहे हैं 3.96 मतलब 4 वोल्ट तक वोल्टेज आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये बैटरी हमारी फुल चार्ज है। 3.7 वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट तक चार्ज हो चुकी है, बैटरी एकदम फुल चार्ज है। और दोस्तों एक बात मुझे आप जरूर बताएं कि जैसे ही मैं इसमें जैक लगा रहा हूँ तो ये रेड इंडिकेटर बंद हो रहा है, ग्रीन इंडिकेटर ग्लो करने लगा। ये क्यों हो रहा है मुझे भी नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। और इसमें मैंने कोई भी ट्रांजिस्टर या कुछ और नहीं लगा रखा, आपके सामने ही मैंने ये मॉड्यूल बनाया है। और ये रेड इंडिकेटर बंद क्यों हो जा रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों।